ये सारे बैठ राम नाम को मैं देखो जाके सब सारे उसको इग्नोर किया गया, उसको अपना कश्मीरियत उनका वेलकम करती है कि वो आके अपने गुरु मिले। हमें भी उनका दुख है क्योंकि ये वो बगीचा है जिसमें हर तरह के फूल होने चाहिए। एक अच्छी सिस्टम है, वो गवर्नमेंट मुलाजम का एक मेन रोल है यहाँ पे। उसमें किसी भी जगह हमें जो है कोई फायदा नहीं मिल रहा, और हम ये उनसे ये आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरदार बलदेव सिंह आल गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन हूँ, और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो सारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आज तक जो सरदारों को इग्नोर किया गया, और हम हर टाइम इग्नोर होते हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक, हमारे तीन आर्डर हमारे सरदारों के अभी जो है 3-4 महीने में निकले, जिसमें पंजाबी को इन्होंने ये ख़त्म कर दिया जो 200 साल पुरानी लैंग्वेज थी, और कल एक आर्डर निकलता है जिसमें ये जो इंस्टीट्यूट में 10% का इन्होंने वेवर दिया और 5% सीटें इंक्रीज़ की, उसमें भी इन्होंने सरदारों का कहीं जिक्र नहीं किया, और पहाड़ी लैंग्वेज में इन्होंने रिजर्वेशन दी जिसमें सरदारों को इग्नोर किया गया कि जो अगर पुराना आप देखोगे सरदार, सारे सरदार जो है पहाड़ी इलाके में रहते हैं और सारे वो पंजाबी बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ जो भी गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से अभी आ रही है उसमें कश्मीरी सरदारों का कहीं भी जिक्र नहीं है। या तो वो लोग हमें भूल गए, और हम अभी तक ये नहीं चाहते थे कि हम गवर्नमेंट के साथ कुछ हमारे ये कभी हम उनके खिलाफ़ बोले नहीं। मनाटी स्टेट्स हमारा जो पूरी कंट्री में सिख लोग इंजॉय कर रहे हैं, और एक हमारी जम्मू कश्मीर की जो यूटी के सरदार हैं उनके लिए मनाटी स्टेट्स का कोई स्टेटस नहीं है, हमारा मनाटी कमीशन नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जो हमारे इशू हैं, जो हमारे बेनिफिट हैं, हम नहीं चाहते कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि आप कश्मीरी पंडितों को आके यहाँ बसाइए, हम पूरे कश्मीरी उनके साथ है, हम उनको बसाइए, वो आके रहें। हिंदू आपने हिंदू के लिए कल आर्डर निकाला, वो भी रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कश्मीरी सरदार जो यहाँ पर रह रहे हैं और उनके लिए आप हर टाइम वो चीज़ भूल जाते हो। कोई भी जब आप आर्डर निकलता है कश्मीरी सरदारों को इग्नोर किया जाता है। आज हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि भाई हम लोग कैसे यहाँ पे हमें क्या करना है वो चीज़ हमें बताएं, और सरदारों को हर एक लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। तो ये हमारी आज गवर्नमेंट से अपील है, हम ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हम गवर्नमेंट से ये करेंगे, जिस तरह कश्मीरी पंडित यहाँ से माइग्रेंट हो गए, हमारी 50% लोग यहाँ से माइग्रेंट हो गए, हम भी यहाँ से माइग्रेंट हो जाएंगे। हमने होम मिनिस्टर को अप्रोच किया, हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को अप्रोच किया, हमने अपने जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, हमने उनको अप्रोच किया हुआ है, और हमने उनसे टाइम भी मांगा है, और वो हमें मिलके ये चीज़ें बताएं कि हमें क्या करना है।